वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं हटिया ट्रू वैल्यू में। और ये देखो गाड़ियों का कलेक्शन देखो भाई, आज बहुत सारा कलेक्शन मिलने वाला है यहां पे, छोटी बड़ी सारी गाड़ियां मिल जाएंगी आप लोगों को। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो तो बहुत देखते हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के बीच लेके आता रहूं। तो चलिए देर की बिना यहाँ का जो मनीष सर हैं उनका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आपका कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आपका भी स्वागत है, वेलकम है, और बहुत दिन के बाद आए हुए हैं। तो पूरा न्यू कलेक्शन भर दिया है ना, बिल्कुल बड़ी सारी गाड़ियों में है ना? बिल्कुल, हमारे पास बहुत अभी न्यू कलेक्शन आया हुआ है, छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए सर, शुरू कहाँ से किया जाए आज? आज हम लोग ये सिल्वर कलर का स्विफ्ट से स्टार्ट करें। एक बार शुरू करने से पहले व्यूअर को हाई कर दीजिए। हाय व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो ये है आपका स्विफ्ट जो कि बोकारो रजिस्ट्रेशन में, ये आपका स्विफ्ट जो कि आपका बोकारो रजिस्ट्रेशन है, 2016 मॉडल है। और आप गाड़ी देख ही रहे हैं कि कैसे कंडीशन में है, एकदम आपका ओरिजिनल पेंट में है। और किलोमीटर की बात करें तो ये मात्र 38,000 किलोमीटर चला हुआ है। मात्र 38,000 चली हुई सर। और नंबर कहाँ की हो जाएगी सर? बोकारो नंबर है, ये बोकारो की है, बोकारो नंबर है दोस्तों, देख लो आप लोग। चलिए, और रनिंग क्या है सर गाड़ी की? 38,000 किलोमीटर मात्र। फर्स्ट ओनर है सर? फर्स्ट ओनर। चलिए सर, इंटीरियर बताइए क्या क्या मिल जाएगा इंटीरियर में? इंटीरियर में आपको, आइए बताइए सर, आप इंटीरियर में क्या क्या मिलता है? तो इंटीरियर की बात करें ना, तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको इसका क्लीनिंग दिखाना चाहूंगा कि कितना अभी ये साफ सुथरा गाड़ी है एकदम। आपको फिलहाल एक रुपये इसमें खर्च नहीं करना है। अब इसमें मिलता क्या क्या है, तो आपको चारों पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग के साथ, और इसमें एक और खासियत बात है कि ऑटोमेटिक ORVM फोल्डेबल है, ऑटोमेटिक आपका शीशा लॉक हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लॉक हो गया। अब इसको अनलॉक करते हैं, ये देखिए। दूसरा चीज़ है, आप किलोमीटर भी दिखा सकते हैं, 38,605। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग टिल्ट के साथ। और सीट कवर की बात करें तो सीट कवर तो लाजवाब सीट कवर है, ऐसा सीट कवर अनिल भैया कहीं नहीं मिलने वाला। देख लो दोस्तों, ओवरऑल लुक गाड़ी का बिल्कुल कंडीशन में है, वेल मेंटेन कार है, कोई खर्चा और चले नहीं सर गाड़ी में? बिल्कुल कोई खर्च नहीं है। और ये देखिए टायर, ये आप देख सकते हैं, टायर भी आप दिखा सकते हैं, अभी 70% टायर से ऊपर ही है, मगर आप मान के चलिए गाड़ी एकदम जेन्युइन है। और स्क्रैच भी नहीं है गाड़ी में सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आप एकदम ले जा सकते हैं। जिनका गाड़ी था ना, वो बहुत अच्छे कंडीशन में रखे हुए थे गाड़ी, और बहुत जेन्युइन बायर थे जो कि अपनी गाड़ी को इतने दिनों तक संभाल के रखे हैं, तो मौका हाथ से मत जाने दीजिए। और एक दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हल्का फुल्का टचअप तो हर गाड़ी में मिलेगा, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो हो सकता है कि इसमें भी आपको टचअप मिले, ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और सर अब इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए बताइए सर? इसका आस्किंग प्राइस है आपका 4,35,000, 4,35,000। इसमें कम बेसी हो जाएगी सर? बस आपका मान सम्मान किया जाएगा उसमें। फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं सर हम लोग। तो दोस्तों फिर से एक न्यू मॉडल स्विफ्ट लेके आया हूँ, और आप देख सकते हैं J01DM1136, ये आपका 2019 का है, जो कि रांची रजिस्ट्रेशन है। हल्का फुल्का स्क्रैचेज है, मगर वो माइनर है। मॉडल की बात करें तो सर 2019 की, फर्स्ट ओनर है सर, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और रनिंग क्या है सर? रनिंग इसकी है 83,000, 83,000 चली। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, थोड़ी साइड से भी आप देख सकते हैं, इसका टायर वगैरह भी देख सकते हैं, मगर गाड़ी जेन्युइन चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट हैंड गाड़ी है। और इंटीरियर दिखाइए सर, क्या इंटीरियर आता है? टिल्ट स्टीयरिंग पावर के साथ है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। सीट कवर की बात करें तो सीट कवर देख रहे लागे जवाब है, और दो एयरबैग भी इसमें मिलता है आपको। बिल्कुल कंडीशन में है, देख सकते हो, वेल मेंटेन कार है दोस्तों ये, तो जल्द से जल्द इस कार को आइए, नहीं तो सर ये निकल जाएगा सर, ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये गाड़ी तुरंत निकल जाएगी। जिन भाइयों को ये स्विफ्ट चाहिए बिल्कुल आइए, ट्रू वैल्यू हटिया में लगी हुई है ये, तो जल्द से जल्द इसको ले जाइए दोस्तों। बिल्कुल बताइए सर, इस स्विफ्ट की आस्किंग प्राइस क्या रखे? इसका जो आस्किंग प्राइस है ना, 575 है,
जो कि धमाकेदार प्राइस है, हल्का फुल्का जो भी होगा आपका मान सम्मान किया जाएगा। 5,75,000 है। बिल्कुल बिल्कुल, कम बेसी हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत हो जाएगा मान सम्मान। और देर न करते हुए दोस्तों, आपका हटिया ट्रू वैल्यू जो है, आके आप गाड़ी उठा सकते हैं यहाँ से। चलिए सर, फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सर आइए, अगली गाड़ी सर कौन सी हो? अगली गाड़ी हमारे पास जो है ना, वो आपका वैगनार रेड ब्यूटी। रेड ब्यूटी देख सकते हो एकदम, जो कि 2013 की गाड़ी है, रांची रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और किलोमीटर की बात, 79,000 किलोमीटर चली हुई है ये। देख लो गाड़ी का बिल्कुल कंडीशन में है, कोई खर्चा तो नहीं ना सर? बिल्कुल अभी खर्च नहीं है, बट कोई भी गाड़ी लेते हैं ना, तो मेरा सजेशन रहता है यही कि एक बार जाके नॉर्मल सर्विसिंग करा लेने से वो गाड़ी का लाइफ जो है ना, आपके नज़र में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, गाड़ी का लाइफ भी बढ़ जाता है उससे। इंश्योरेंस है सर इसमें? इंश्योरेंस एक बार चेक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का ऐसा है कि जितना दिन का रहता है उतना दिन का मिल जाता है, फेल रहता है तो डील भी हम लोग उसी तरह का रखते हैं। बैठने पर डील हो जाएगी ना सर? बिल्कुल। चलिए सर, इंटीरियर देखते हैं गाड़ी का। सर इंटीरियर में आपको वही आपका पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, और सीट कवर तो देख रहे हैं एकदम पूरा बॉडी कवर के साथ ही मैच कर रहा है, ड्यूअल टोन में है, लगी हुई है, मैचिंग देख सकते हो। वेल कंडीशन कार है ये दोस्तों, लाजवाब इंटीरियर के साथ मिल रही है, मैट वेट सारा कुछ लगा हुआ है, डैशबोर्ड देख लो नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी गाड़ी है दोस्तों। अभी देख सकते हो बिल्कुल कंडीशन 70-80% है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए सर, इस वेगन आर की आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए है? इसका जो प्राइस है ना वो 280 है। 2,80,000 भी कम बेसी हो जाएगी? बिल्कुल, मान सम्मान किया जाएगा। अनिल भैया के चैनल के थ्रू जो भी आते हैं ना, उनके लिए स्पेशल मान सम्मान होता है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं होता है, होता है थोड़ा बहुत। बताइए सर, अगली गाड़ी कौन सी हम लोग? अगली गाड़ी मैं लेके आया हूँ आपके पास ऑटोमेटिक सेलेरियो। जिन भाइयों को ऑटोमेटिक गाड़ी अगर चाहिए तो वो प्लान कर सकते हैं इसे। ये सर्टिफाइड है सर? ये सर्टिफाइड है। इसमें क्या है आपको कि सर्विस वारंटी भी मिलता है आपको कंपनी की तरफ से, ठीक है। और ये देखिए रांची नंबर है आपका J01DH6160। रांची नंबर मिल जाए। और गाड़ी की कंडीशन की बात करें ना तो लाजवाब है। ओनर सर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। और किलोमीटर क्या चली है सर? 30,000 के अप्रोक्स में चली हुई है। 30,000? हाँ। अब बात करें इंटीरियर की ना, तो इंटीरियर आपका इतना लाजवाब है, टायर वगैरह तो आपको देख ही रहे हैं अभी बहुत, और एलॉय व्हील के साथ है। और देख लो दोस्तों, एलॉय व्हील भी मिल रही है इस वेगन आर में, देख लो। बिल्कुल। तो क्या क्या इसमें मिल जाएगी सर इंटीरियर में? इसमें आपको ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल के साथ पावर स्टीयरिंग, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, और आपका चारों पावर विंडो, और एक पार्किंग सेंसर मिल जाता है। बाकी लेदर की सीट कवर फर्स्ट क्लास लगी हुई है। बिल्कुल 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 न्यू है। बताइए सर, इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे? इसका प्राइस है 4,80,000। तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। आइए बताइए सर, अगली गाड़ी हम लोगों की कौन सी है? अगली गाड़ी है हमारे पास अर्टिगा, जो कि बहुत डिमांडेबल गाड़ी है, बहुत ही डिमांड आती है इसकी। देख सकते हैं रांची रजिस्ट्रेशन है, 2018 की गाड़ी है। ओनर सीरियल की बात करें तो ओनर सीरियल में थोड़ा सा अभी गली गाड़ी सामने आया तो देख नहीं पाए हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, नंबर तो रहेगा ही इसमें। रनिंग सर क्या है गाड़ी की? रनिंग इसका 1,52,000 किलोमीटर चली हुई है। 52,000 जो कि पेट्रोल ये डीजल में है। डीजल में है बिल्कुल। और 1,52,000 डीजल के लिए कुछ नहीं है। हाँ, लोग लेते ही हैं चलने के लिए गाड़ी, खर्चा नहीं ना? बिल्कुल नहीं है, एक बार नॉर्मल जाके सर्विसिंग करा लें बस, आराम से आपका गाड़ी का साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। तो सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगभग टायर मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटीरियर की बात करें तो सर क्या क्या है इंटीरियर? इंटीरियर में आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम एज यूजुअल जो रहता है, ऑटोमेटिक आपका ये ऑटोमेटिक नहीं सॉरी पावर स्टीयरिंग, और चारों पावर विंडो वगैरह है, पीछे भी देख सकते हैं। ये 7 सीटर में है ना सर? ये 7 सीटर में, 7 सीटर में है। दोस्तों बहुत भाइयों का कमेंट आता है कि 7 सीटर का वीडियो लाइए। बिल्कुल। तो मैं ले आया हूँ अर्टिगा दोस्तों, लगी हुई है यहाँ हटिया ट्रू वैल्यू में, तो जल्द से जल्द सी गाड़ी को अपना बनाइए, कंडीशन में गाड़ी है। बिल्कुल। और तो 7,25,000 की है ये। 7,25,000 इस अर्टिगा की प्राइस है दोस्तों। बिल्कुल। चलिए सर, फिर नेक्स्ट गाड़ी चलते हैं हम लोग। ये गाड़ी है जो कि आपका 2010-11 की गाड़ी है, बहुत ही धमाकेदार गाड़ी है, ब्लैक ब्यूटी। बिल्कुल दोस्तों, स्कॉर्पियो। कौन सी मॉडल है स्कॉर्पियो की सर? ये आपका बहुत मतलब 10-11 का मॉडल है। अच्छा।
और वेरिएंट अगर बोला जाए तो ये VLX करके है कोई, ठीक है, हाँ, नॉट श्योर बट समय के डिमांडेबल हाँ। और ओनर सीरियल की बात करें तो ये थर्ड ओनर गाड़ी है, मतलब जो लेंगे फोर्थ हो जाएंगे, फोर्थ हो जाएंगे। तो खर्चा उर्चा गाड़ी में नहीं ना सर? अभी फिलहाल कोई खर्च नहीं है, जो एज यूजुअल एक बार जाके बस सर्विसिंग करा ले एक बार, और गाड़ी चली हुई है लगभग 1,25,000 किलोमीटर, 1,25,000 बिल्कुल, जो कि जेन्युइनली चली हुई है, मीटर टेंपरिंग वगैरह कुछ नहीं होती है ना सर? हाँ, यहाँ तो नहीं होती है, अब कस्टमर क्या किए क्या नहीं किए वो तो ऐसे भी महिंद्रा की है तो इसका डिटेल्स हम लोग के पास रहता नहीं है, बट ठीक ठाक है गाड़ी, मैंने खुद ड्राइव किया गाड़ी, ठीक है। जितने भाइयों को चाहिए स्कॉर्पियो ये ले जा सकते हो, आप ब्लैक ब्यूटी को, बिल्कुल। बताइए सर इसका आस्किंग प्राइस क्या है सर? 3,75,000, 3,75,000। एयरबैग वगैरह तो नहीं ना थी सर? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल है। आज तो फिलहाल इतनी कलेक्शन थी सर? बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम लोग नेक्स्ट अपडेट करेंगे है ना? बिल्कुल। फाइनेंस के बारे में बता दिए, व्यूअर लोग बहुत परेशान रहते हैं, फाइनेंस होता है? फाइनेंस पूरे झारखंड में कहीं का भी एड्रेस हो हमारे यहाँ से लिंकअप है, टाई अप है, महिंद्रा चोला SDB और भी है बैंक, तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, बैंक का पासबुक, 6 महीने का अपडेटेड चेक और फोटो, ये सब आपको चाहिए होगा, फिनांस हम लोग 2 दिन में आपको करके देंगे। और RC ट्रांसफर का अलग से है सर कि इंक्लूड है? जितना भी डील होगा ना तो RC ट्रांसफर हम लोग का उसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। आपको बस गाड़ी का प्राइस देना है, उसके अलावा इंश्योरेंस का जो भी है तो वो डील हम लोग उसी तरह करते हैं, ठीक है। या तो आप करा दीजिए, या तो हम करा दें, या तो फिर प्राइस थोड़ा सा हम लोग डिस्काउंट दे दें, तो इंश्योरेंस का वही है। और RC कितने दिन में ट्रांसफर करके दे देते हैं? RC DTO का काम रहता है तो हम लोग कमिटमेंट डेट 90 से 120 दिन का रखते हैं, कि 120 दिन, हार्डली से हार्डली 90 से 120 दिन में आपको RC ट्रांसफर करके ही देना है। बट उसके अलावा हम लोग सेल लेटर, पुराने वाले कस्टमर का RC का जेरोक्स, इंश्योरेंस पेपर का जेरोक्स, इनवॉइस और मनी रिसिप्ट, आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ एक पॉल्यूशन आपको अपडेट करना पड़ता है अपने से, और कहीं भी आप जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, गाड़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं गाड़ी से, कहीं भी पेपर के लिए आपको रोक टोक नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। Oh,